नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जम्यार। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का पांचवा दिन खत्म हो गया है। आप इसे चौथा दिन भी लगातार कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के पांच दिनों का सर्वे हो चुका है। एएसआई की टीम अब तक तीनों गुंबद, हॉल, अंदर बाहर की दीवारों का सर्वे लगभग कर चुकी है। पांच दिन में करीब 31 घंटे सर्वे हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्ञानवापी के तहखाने में कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो इसके मंदिर होने की ओर इशारा करते हैं। इनमें 5 से 6 फूल की आकृतियां मिली हैं। 4 खंभे हैं जिन पर घंटी, कलश और फूल मिले हैं। खंभों पर पुरातन भाषा में लिखावट भी मिली है। इसके अलावा पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक चिन्ह, त्रिशूल और हाथी की सूंड की आकृति मिली है। हालांकि ये सब सिर्फ हिंदू पक्षों की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्योंकि सर्वे अभी जारी है और सर्वे की रिपोर्ट भी सामने अभी नहीं आई है और कोई इसे डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता है। अब हिंदू पक्ष इस दावे पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज की है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे की जानकारी लीक की जा रही है, तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे क्या वाकई में ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान हिंदू मंदिर के प्रतीक मिले हैं, और चर्चा इस पर भी करेंगे क्या सच में सर्वे की जानकारी लीक की जा रही है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आज चौथा दिन है, क्योंकि आज सावन का सोमवार है तो सर्वे का टाइम बदला गया। इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल हिंदू पक्ष सर्वे के दौरान मिली चीजों पर सनातन का दावा कर रहा है, जिससे मुस्लिम पक्ष नकार रहा है। और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि त्रिशूल, मूर्ति या आकृति मिलने की बातें महज अफवाह है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर सर्वे के बहिष्कार की धमकी दी है। ज्ञानवापी के सर्वे के पहले भी मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, तो मुस्लिम पक्ष एएसआई के सर्वे में शामिल हुआ। इसके बाद अब एक बार फिर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से दूरी बनाने की धमकी दी है। अफवाह ये कि जहां पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, वहां के बारे में कहा जाता है कि इतनी बड़ी मूर्ति मिल गई, इतना बड़ा त्रिशूल मिल गया, तो जहां अभी कुछ हुआ नहीं उसके बारे में अगर ऐसी बात होगी तो अफवाह ही कहा जाएगा। अब ये नहीं आ रहा कौन कह रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है। अब सवाल उठो कि आज के ज़माने में यूट्यूब और व्हाट्सएप पर बहुत चलते हैं, और वो फिर हम देखेंगे, फिर दूसरा देखेगा, फिर तीसरे को वो फॉरवर्ड करेगा। अब उससे पब्लिक जब देखेगी तो पब्लिक में तो ये उन्माद आएगा ना कि भाई देखिए ऐसी बात है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की अगर फैला जाएगा तो हम लोग जो अपने को विड्रा कर लेंगे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मुस्लिम पक्ष सिर्फ व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ की फैक्ट्री वाले संदेशों की बिना पर यह धमकी कैसे दे रहा है, या फिर चीजें उसके पक्ष में नहीं जा रही हैं, क्योंकि सर्वे में शामिल हिंदू पक्ष चिल्ला चिल्ला कर सनातन के सबूतों के मिलने का दावा कर रहा है और अभी तक के सर्वे से संतुष्ट है। अभी नहीं, हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। सर्वे टीम अपने काम कर रही है, हम लोग खाली देख रहे हैं। बस ये कहना, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सर्वे का काम हो रहा है, एएसआई अपना काम में लगी हुई है और काम अच्छे से चल रहा है, और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग और कुछ करना नहीं, वहाँ पे देख रहे हैं सर्वे चल रहा है और हिंदू मुस्लिम दोनों ही सहयोग कर रहे हैं। साथ में जो है न्यायालय में विश्वास है, न्यायालय पे जाएगा, न्यायालय पे पूरा विश्वास। क्या रहा? बहुत बढ़िया काम चल रहा है और आराम से काम चल रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, लंबी एक्सरसाइज है, हर दिन इसके बारे में पूछने के बजाय क्या मिला, हमें बस इतना पूछना है कि काम क्या चल रहा है, और काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। गुंबद के पास जाने की जिस तरह से बात थी, मैं देखा कि ऊपर टीम चढ़ी हुई थी, क्या क्या मिला? सब काम चल रहा है। क्या मिला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारी चारों वादनी महिलाएं और हमारे तीनों वकील इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे कि हमें क्या मिला। ज्ञानवापी के इसी गुंबद से लगी दीवार पर हिंदू धर्म के दावों के सबूत मिलने की उम्मीद है। इसी दीवार को मस्जिद की पश्चिमी दीवार कहा जाता है। इसी दीवार पर हिंदू धर्म से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह पिछले सर्वे के दौरान मिले हैं। ज्ञानवापी में मंदिर है या मस्जिद, इसकी खोज के लिए एएसआई का सर्वे जारी है। सभी को सर्वे रिपोर्ट और कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सर्वे रिपोर्ट में जिस पक्ष के हिस्से में ज्यादा सबूत होंगे, उसका दावा सबसे मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, सर्वे का काम जारी है,
चार से पांच दिनों का सर्वे का काम हो चुका है, कल फिर से सर्वे का काम होगा और 2 तारीख को जिला अदालत में एएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी। लेकिन उससे पहले दावे भी किए जा रहे हैं। मुख्तार अहमद जी हमारे साथ मुस्लिम पक्षकार मौजूद हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ वकील हिंदू पक्ष के जुड़ेंगे। सोनलाल आर्य जी हमारे साथ हिंदू पक्षकार मौजूद हैं। रवि भट्ट इतिहासकार मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सोनलाल आर्य जी आपसे पहला सवाल, आजकल आप लोगों के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट है, इसके पीछे की वजह क्या मैं जान सकता हूं? हम लोग के चेहरे मुस्कुराहट का कारण यह है कि जी न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि एक स्वस्थ बहस पूरे देश में सकारात्मक बहस कर रही है जिसे ज्ञानवापी का सच उजागर रहा है। आप लोग को साधुवाद। और जो ज्ञानवापी का सच है वह सबके सामने आवे। सर्वे जो चल रहा है चलता रहे। हम लोग की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया जाएगा या ऐसा दिया जा रहा है खास तौर से कि ये मिला ऐसा कहीं कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि सर्वे होता रहे और अच्छे दिशा में होता रहे। तो अभी तक तो दोनों पक्ष जो हैं, हिंदू पक्ष हो आप लोग हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, सर्वे जिस तरीके से हो रहा है उससे संतुष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और संतुष्ट और हमारे सारे अधिवक्ता वादी महिलाएं यहाँ तक कि मुस्लिम बंधु मुस्लिम उनके अधिवक्ता सभी लोग संतुष्ट हैं ईएसआई के कार्यप्रणाली से। मुख्तार अहमद साहब आप लोग भी संतुष्ट हैं लेकिन जो चीजें निकल करके सामने आ रही है चाहे किसी भी जरिए से आ रही हो, कौन कर रहा है इसके बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन मुख्तार अहमद साहब सर्वे जिस तरीके से हो रहा है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? जो सर्वे हो रहा है इस सर्वे से कोई जो किसी को न पहले कोई नाराजगी थी न आज नाराजगी है जी। आज जो जिस तरह से जो माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि एएसआई जांच करेगी वह जांच रिपोर्ट लिफाफे में पैक करके न्यायालय में सबमिट करेगी जी, मगर हमने बनारस में 2 दिन से सभी लोग वादनी मुकदमा उनके समर्थक उनके वकील सारे लोग बाहर निकल निकल के ही कह रहे थे आज ये मिला कल वो मिला क्या कुर्ती मुर्ती मिली ये सी मिला। कल जा करके वादनी मुकदमा लोग आ करके गेट पर मस्जिद के यहाँ आकर गेट पर बताएं कि नहीं भैया हम लोग को जो है इसमें कुछ नहीं मिला है, हम लोग का कोई बात नहीं करनी है, संतुष्ट है। जो दो मेरा कहना जो 2 दिन ये रिवर चलाया गया इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? एएसआई जांच कर रही है और ये बाहर बात आ रही है इसको क्या माना जाए कि क्या क्या रिपोर्ट की बातें बाहर बताई जा रही है जब अभी तक दो तहखाने का ताला नहीं खुला। एक तहखाने पे गए जो हमेशा से खुला रहता है उसमें ताला नहीं रहता है, इसमें जो 95 में खाली हुआ उससे पहले उसको ब्याज ही रहते थे और दीवार पे अगर टिन है या कुछ है तो कमीशन जो हुई थी पहले अगले साल में सर जी पर पूरा जांच नहीं हुआ था तो कोई जगह बाकी था नहीं। मुख्तार अहमद जी पिछले साल जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी क्या उसके आधार पर भी कुछ लोग तो बातें नहीं बना रहे, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें तब भी सामने आई थी और दावे किए जा रहे थे, वो रिपोर्ट तो अदालत में सबमिट भी की गई थी। देखिए मामला यहाँ दरअसल दूसरा, ये मस्जिद जो है जुमा मस्जिद है जिसको उप नाम से हम लोग ज्ञान बापी कहते हैं उस मोहल्ले के नाम की वजह से तो वह जो है अपने जगह स्थित है राजी नंबर 9130 पर 17-12-91 में 31 विश्वास दर्ज है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर जो राखी सिंह ने जो वार सन 22 में दाखिल किया 693 सन 22 जो सिविल जज सीनियर डिविजन क्या दाखिल किया उस वाद में क्या कहीं भी ये लिखा गया था कि यहाँ पर त्रिशूल और डमरू के निशान बनाए गए हैं या पाए गए हैं? उन्होंने तो ये कहा कि हमारे भगवान को तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है और उस दावे में स्कंद पुराण के श्लोक के अलावा कोई भी साक्ष्य नहीं दाखिल किया गया था उसकी। बावजूद इसके कि माननीय न्यायालय ने कमीशन का आदेश दिया और कमीशन की कार्रवाई के दौरान हमारे फगवारे को ये कह करके जैसा आकार मिल रहा है दौरान कमीशन और स्टार्ट अप्लीकेशन पर न्यायालय से आदेश पाने में हमारे जो है विपक्षी कामयाब रहे हिंदू पक्ष के लोग, आज वो डील हो गया तो अब हम